हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इट्स मी उस्मा, ज़ैनब्स मॉम। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुके हैं। तो देख सकते हैं कि हम किसी जगह, हम नहीं, हमारे हस्बैंड वैसे गए हुए थे और रिकॉर्ड उन्हीं ने आप लोगों के लिए किए थे कि हमारे व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारे छत्तीसगढ़ का ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। और ये यहाँ पे म्यूज़िक सिखाई जाती है और डांस भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत फेमस, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे बाहर बाहर से, मतलब जैसे बाहर की कंट्री के भी लोग आते हैं और इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के भी लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और हम बता दें कि हम जहाँ जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं वहाँ पे भी जितने भी टीचर्स थे, जैसे म्यूज़िक के टीचर और डांस के टीचर, तो वो इसी यूनिवर्सिटी से वहाँ पे, मतलब हमारे स्कूल में वो हम लोगों को सिखाते थे। और वैसे हम इतने साल डूंगरगढ़ में रहे बट हम कभी भी नहीं जा पाए, और हमारे हस्बैंड ऑफिशियल काम से वो चले गए थे, और साथ में वो बैठे हुए हैं जो कि हमको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो बीच में आप लोगों को उनकी भी आवाज़ आएगी और वो भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देंगे। और अगर ज़ैनब की बैकग्राउंड में आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि हम दोनों ही साथ में बैठे हैं तो ज़ैनब हम लोगों के पास में ही है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है और कितना अच्छा है। और वैसे ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है ना, बहुत पुरानी है, काफी बहुत पुरानी है। और 1956 का बना हुआ है। हाँ, इसकी जो असल में ये जो यूनिवर्सिटी बनी, पहले ये पैलेस था, फिर इसको रानी की याद में इसको संगीत यूनिवर्सिटी में चेंज किया गया। हाँ, यूनिवर्सिटी में इसको मतलब कर दिया गया, क्योंकि रानी को जो थी, यहाँ की जो रानी थी उनको संगीत इसको यूनिवर्सिटी में कब बदला है, ये उस समय मुख्यमंत्री थे अपना मध्य प्रदेश के, पंडित रवि शुक्ला, शंकर शुक्ला जी। हाँ, इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को, 1956 को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को इसको मान्यता दिया था। हाँ, तो बस इसी तरीके से फिर ये इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है। और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, वैसे अभी कोविड के वजह से है ना बंद है, कोविड के वजह से था, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ तुम्हारा भूटान के स्टूडेंट थे जो संगीत के लिए आए हुए थे, रुके हुए थे उसी समय। हाँ, उसी टाइम से मतलब वो लोग अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं। तो कोविड की वजह से वैसे अभी ये थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और तो आप ये यूनिवर्सिटी जो है ना, कहा जाता है कि एशिया का पहला और भारत का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। ये काफ़ी टूरिस्ट पैलेस भी, लोग बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए इसको। तो हम आप लोगों को बता दें कि इस यूनिवर्सिटी को पहले कमल विलास के नाम से जाना कमल जाता है, विलास पैलेस। ये कमल राजा वीरेंद्र सिंह जो है ना, यहाँ के जो राजा थे उस समय का, उनका ये उन्होंने ये निवास, ये निवास पैलेस था। तो इन्होंने क्या किया, जब वो लोग मंत्री बनाए गए थे मध्य प्रदेश का, तो फिर इन्होंने जब ये यूनिवर्सिटी बना तो उस समय इन्होंने दान दे दिया था। तो ये पूरी जो भी है देख रहे हो, पूरे हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिख रही है, पूरा मतलब एक तरीके से ये किला ही था, फिर किला इसको, ही है इसको फिर दान दे दिया गया। इतना तो ये यूनिवर्सिटी अच्छा लगता है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी इस टाइप की, हम लोग तो गए थे काफ़ी घूमे इसको, आप देखिए। हम तो पहले खुद ही नहीं सोचे थे कि ये इतना बड़ा हो, क्योंकि हमने कभी मतलब सुनते तो थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये इस तरीके का होगा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी सोचो तो वो दिमाग में कुछ और ही आता है, लेकिन ये एक मतलब हम देखे वीडियो तो हम बोले कि चलो बहुत ही अच्छी वीडियो, हम अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे भी अचानक से जाना पड़ा, हम लोग के थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क था वहाँ। हाँ, उस दिन इनका रेस्ट भी था बट इनको अचानक ही खैरागढ़ जाना पड़ गया। और बस ये फिर मैं देखा तो मैं सोचा कि चलो कम से कम ये चीज़ को दिखा दूँ आप लोगों को। बेटू, ये जो बिल्डिंग है ना, ये अभी कैंपस वन के नाम से जाना जा रहा है। इसका हम लोग सेकंड कैंपस में भी गए थे जहाँ मीटिंग थी हम लोगों की। ये देखे सेकंड कैंपस का ही एक थोड़ा सा ड्राफ्टिंग किया हुआ है, ये देखे बनाया गया था, मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था। और वहीं पे पास में ही एक ये बहुत अच्छा जो तस्वीर दिख रही है ना, ये बहुत प्राचीन तस्वीर है, मैंने इसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था। ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए काफ़ी। ये तो कैंपस टू का, ये मॉडर्न है, ये तो अभी बनाया गया था कैंपस टू पहले। अच्छा, हाँ, पहले का जो जो पुराना है वो जैसे एक किले के तरीके से, लेकिन अभी जो कैंपस टू बना है वो जैसे बिल्डिंग जैसे होती है ना उस तरीके से बना गया है। तो यहाँ पे तो
तो आप यहाँ पे आगे देखेंगे कि एक यहाँ पे सुरंग भी है। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी किले हैं और इंडिया में इतने बड़े बड़े किले हैं, सभी में ये सुरंग होती ही है। तो बस इसमें भी है, और पता नहीं ये लोग क्यों ये सुरंग वगैरह बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये, आप हमारे मतलब हमारे हस्बैंड अंदर नीचे जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड किए, तो इसमें पानी भरा हुआ था। और बस ये वैसे डेंजरस तो लग रहा है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने खुला करके रखे हैं इस चीज़ को। और देख, और अंकल भी खड़े हैं साथ और में। देख सकते हैं अंकल भी खड़े हुए हैं। तो अंकल इन्हीं के स्टाफ के हैं, इंचार्ज हैं वो, और उनके साथ ही हमारे हस्बैंड गए हुए थे। और बस इन दोनों ने ही ये सब कुछ आप लोगों के लिए, हम लोगों ने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी देखें। अगर आप लोगों को, अगर इसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी, और पूरे इंडिया में, एशिया में शायद, हाँ एशिया में ही ना, एशिया में पहला पहला म्यूज़िक यूनिवर्सिटी है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन लीजिए। थोड़ा सा जैसे ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना होगा, उसके बाद इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर आप लोगों को अगर पास हो गए तो एडमिशन आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। और आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि इसमें हॉस्टल का भी पूरी फैसिलिटीज़ है। जैसे बाहर से जो भी आता है तो उनके रुकने का हॉस्टल पूरा बना हुआ है। तो जैसी ये बिल्डिंग है, उस ज़माने का वही बिल्डिंग बना हुआ है, और उसी में जैसे हॉस्टल बना हुआ है, तो फैसिलिटीज़ भी सब कुछ है, तभी बाहर के लोग आके आराम से यहाँ पे रह लेते हैं। तो चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, उन लोगों के लिए पूरा इंतज़ाम है और बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि कितने मतलब अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है दरबार हॉल। तो यहाँ पे आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस होती है शायद बच्चों की, जो जैसे डांस वगैरह होता है, तो इन लोगों की बच्चों की प्रैक्टिस होती है। और ये देख सकते हैं ये भी पूरा पुराने ज़माने के ही जैसे बना हुआ है। फैमिली जो है ना, इनके राजा के फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उनके फोटो लगी हुई है। अच्छा हाँ, तो आप लोग भी देख लीजिए, जो मतलब राजा थे उनके पूरी फैमिली वालों की फ़ोटोज़ लगी हुई है। और वो ज़माना हमको लगता है ना कि कितना अच्छा रहा होगा, और मतलब इस तरीके से उन लोग रहते थे। इतना मतलब बड़ी ऐसी बिल्डिंग मतलब उस ज़माने में बनती थी, आज तो कोई बना नहीं पाएगा जैसे वो लोग बनाते हैं। और देख सकते हैं सबके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। और अब हम वीडियो देखें तो हमारा बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि हम भी वहाँ जा के हम एक बार देख के आए सामने से। और देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों का जो भी होता होगा प्रोग्राम वगैरह, तो यहीं पे होते होंगे प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे है हॉस्टल जो कि लड़कियों का है, लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है। और देख लीजिए आप लोग भी, तो आप देख सकते हैं ये पुरानी ही बिल्डिंग है, जैसे होती हैं किले वगैरह उसी टाइप में है। और इसको अब हॉस्टल बना दिया गया है, तो ये लड़कियों के लिए है और एक तरफ होगा लड़कों का। तो अब आप बताओ। ये हॉस्टल का मेन गेट है। क्या हॉस्टल चालू है अभी? एक बॉर्डन बैठी है। नहीं अभी तो चालू नहीं है, वही 4-5 लोग बस हैं। अच्छा अच्छा क्या रेगुलर क्लासेस हो रही है? नहीं हो रहे ना। तो जो जो स्टूडेंट, ठीक ओके, हमारे DRM साहब आए हुए थे ना। हाँ ठीक, तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का भी नज़ारा
करा देते हैं तो देख सकते हैं कितनी प्यारी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसको देख के ना हमारा मन कर रहा है कि हम एक बार सामने से जाके देखें, और हम अपने हस्बैंड को बोल चुके हैं आप एक बार ज़रूर ले जाना, तो वो बोले हैं कि ठीक है चलेंगे। तो जब भी हम कभी जाएंगे तो न्यू और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूर से लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग आए तो सबकी सेल्फियाँ चल रही हैं और सब फ़ोटो ले रहे हैं, और हमारे हस्बैंड और अंकल ने भी बड़े ही इन्जॉय करके आए यहाँ पर। और इस दिन इनका रेस्ट था और अचानक ही इनको सुबह ही 7 बजे फ़ोन आ गया था और इनको जाना पड़ गया था। दोनों ही अंकल और हमारे हस्बैंड देख सकते हैं दोनों ही अपने यूनिफॉर्म में हैं। तो इन लोगों का जो यूनिफॉर्म होता है ना वो वाइट और ब्लैक पैंट होता है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट और ऊपर से ब्लैक कोट भी होता है, बट ये लोग लेते नहीं हैं। और बस ये अंदर के कुछ हैं, रूम वगैरह बने, ऑफिसेज बने हुए हैं। तो ये छोटी सी वीडियो यूनिवर्सिटी की आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और हमारे व्लॉग में कुछ चेंजेस आए होंगे। हम डेली रूटीन का व्लॉग बनाने में हमको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है कि यार क्या डेली रूटीन, क्योंकि जो रूटीन हमारा है वही आप लोगों का भी है। खैर वो भी हम आप लोगों को देते रहेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।